गुड मॉर्निंग क्लास 7। देखो आज से हम आपको संस्कृत जो आपका सब्जेक्ट था वो शुरू कर दिया है। आज आपको हमने वीडियो भेज भी दी है फर्स्ट लेसन प्रार्थना की। अब उसकी रीडिंग जो है, आप कहते हैं रीडिंग कैसे पढ़े सर, तो रीडिंग के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं कि आपकी किताब में हिंदी लिखी हुई है उसको आप पढ़ें और सीख करें। नहीं समझ में आएगी तो जब ऑफलाइन क्लासेस होगा तो मैं करा दूंगा, और एक्सरसाइज वर्क तो आप अपना याद कर सकते हैं, ये तो आपको अच्छी तरह मालूम है कि ऑनलाइन में अगर मैं आप यहां से किताब पढ़ाता हूं तो आपके पास किताब उस समय होगी नहीं, तो आप उसको देखेंगे क्या, इसलिए हिंदी लिखी हुई है उसके अंदर, ठीक है ना। और एक्सरसाइज वर्क मैंने भेज दिया है, वो आप अपना करते जाइएगा। और कम से कम आपको ध्यान करना है कि सेकंड टर्मिनल है, सेकंड टर्मिनल के कोर्स कितना हुआ जो हम आपको बता देंगे, ठीक। अब हमारे पास 7B एक्सरसाइज का पांचवा क्वेश्चन, कल हमने आपको 4 तक करा दिए थे, आज पांचवा क्वेश्चन कैसे किया जाएगा ये सीख है। जैसे कि इसमें दिया गया था फाइंड द थर्ड प्रोपरेशन, तो आप तीसरा प्रोपरेशन याद करना है इसका। अब हमारे पास डिजिट तो दो है 20 by 40, तो थर्ड कहां से लाए, क्वेश्चन समझने की बात है, हम आपको बताएंगे। इसमें लेट द थर्ड प्रोपरेशन वी एक्स हमने मान लिया, यू जो नंबर है 25 स्टार्टिंग है उसको वैसे ही रहने दो, रेशो 40। अब प्रोपरेशन मीन वाला नंबर 40 को बना दीजिए लास्ट वाले नंबर को, और ये एक्स यहां लगा दीजिए, आपका थर्ड प्रोपरेशन आ गया। मतलब जो फोर्थ वाला किया था क्वेश्चन उसी तरह से आपको थर्ड करना है। तो अब ये चीज बन गई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स अब ये देखो 25 मल्टीप्लाई कर रहा है इधर एक्स में, तो उधर जाके ट्रांसफर डिवाइड देगा, काट दीजिए 5 5 जा 25 5 8 जा 40, फिर 5 5 5 8 जा 40, तो 8 into 8 = 64, तो हमारा थर्ड ऑपरेशन आ गया 64। अब अगला क्वेश्चन है इसका कि शो दैट 5 25 125 आर कंटिन्यूड प्रोपरेशन, यानी 5 25 और 125 हमारे कंटिन्यूस में चल रहे हैं तो वो हमारी प्रोपरेशन क्या होगी। तो ठीक, इसको भी देखते हैं, जैसे 5 25 और 125 है तो ये कंटिन्यूस पे चलना है, तो इसके बाद 1 2 3 हमारे मालूम है, चौथा नहीं मालूम है, तो हम लेट मान सकते हैं, लेट द फोर्थ प्रोपरेशन इक्वल एक्स, तो 5 25 125 = x, तो 5 upon 25 = 125 upon x, क्रॉस मल्टीप्लाई डिवाइड फॉर्म क्रॉस करें 5 5 = 25, मल्टीप्लाई 5 by 25 का 625, तो कंटिन्यू नंबर आ गया हमारा 625। तो इस तरह आगे बढ़ते जाए। अब अगला क्वेश्चन है, इफ द कॉस्ट ऑफ 8 मीटर क्लॉथ ₹600, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 15 मीटर ऑफ क्लॉथ। ये तो कितना सरल है कि 8 मीटर कपड़े की कीमत ₹600 है, तो बताओ 15 मीटर कपड़े की कीमत क्या होगी। तो कॉस्ट ऑफ 8 मीटर क्लॉथ 600, तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ, तो
वन मीटर क्लॉथ की निकालेंगे पहले, फिर उसके बाद फिर टू मीटर की निकालेंगे। तो देखो क्या करते हैं, सिक्स वाला क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ एक मीटर क्लॉथ इज इक्वल टू रुपीज 600। तो ऐसे ही कॉस्ट ऑफ वन मीटर क्लॉथ इज इक्वल टू 600 अपॉन 8। ऐसे ही कॉस्ट ऑफ 15 मीटर क्लॉथ इज इक्वल टू 600 इंटू 15 अपॉन 8। अब काट दीजिए, 2 से काटो, 4 से काटो, किसी 4 से काट सकते हैं तो 4 टू जा 8, 15 जीरो 75। तो अब 75 इंटू 15, 15 पंजे 75, 25 7, 105, तो 112 लीजिए साहब। तो ये आपके यूनिटरी मेथड से आप इनको कर सकते हैं। अब आगे क्वेश्चन है, रेनी ने स्पेंट 5/9 ऑफ हिज मंथली इनकम। एक आदमी अपनी इनकम का 5/9 हिस्सा, जो मंथली इनकम होती है उसमें से 5/9 हिस्सा खर्च कर देता है और ही सेव 3,600 मंथ, यानी कि वह 3,600 रुपए बचा सकता है, तो बताइए उसकी इनकम क्या होगी। ये चीज है, ये आपको करना है, समझना है। तो देखो कैसे करेंगे, कि व्यक्ति की इनकम 1 रुपया है जिसमें से वह 5/9 खर्च कर रहा है, उसकी सेविंग निकल आएगी कैसे। स्पेंड्स पार्ट ऑफ इनकम इज इक्वल टू 5/9, मतलब हमने किया कि खर्च करने का हिस्सा इनकम में से 5/9। तो लेट मानव लेट द इनकम, ठीक है, 1 है, तो सेविंग निकालनी है। सेविंग में क्या करोगे, 1-5/9, मतलब आप ये जानते हैं कि 100 रुपए अगर हम कमाते हैं उसमें से 80 रुपए खर्च कर देते हैं तो बचाते कितने हैं, तो हम 100 में से 80 को माइनस कर देंगे। तो वही हमने माइनस किया 9, तो 4/9 आ गया। अब क्वेश्चन है सेविंग मनी दी गई है, तो हम देख सकते हैं, देखो लेट द इनकम बी रुपीस एक्स, और सेविंग कितनी है, सेविंग इज इक्वल टू 3,600। तो सेविंग कितना कराता, 4/9 इंटू एक्स का 3,600। अब इसको क्रॉस पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एक्स 9 और ये 4, देखो 9 यहां डिवाइड दे रहा था तो यहां मल्टीप्लाई कर दिया, 4 डिवाइड मल्टीप्लाई कर रहा है तो डिवाइड कर दिया। अब काट दीजिए 4 9 जा, तो 9 9 जा 80 पर, तो व्यक्ति की इनकम निकल कर आ गई 8,100, यानी 8,100 रुपए पूरी इनकम है। तो इस तरह से आप सवाल कर सकते हैं, 9 और 10 करना इसको, नहीं समझ में आए तो देखेंगे।